على حبيبك خير الخلق كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من

जिस मेहनत और जानफिशानी के साथ ये मजमु तैयार किया है आपकी खिदमत में उसका ख़ुलासा पेश किया जाए इस प्रोग्राम के जरिए से हमने कोशिश की कि, कि हर बाब और उसी तरतीब के साथ जिसे अलामा इबन हजर अस्कलानी ने अपनी किताब में मरतब किया उसी तरतीब के साथ हर बाब में ज़िक्र करदा अहादीस, उनका खुलासा और निचोड़ आपकी खिदमत में पेश किया जाए हम इससे पहले लेक्चर में जिक्र कर रहे थे अखराजात के हवाले से जिसमें ये बात ख़ास तौर पर बताई गई थी कि शौहर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घरेलू अखराजत बीवी के और बच्चों के जिनकी लुक आफ्टर और परवरिश उसके ज़िम्मे हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए तरजीह नंबर एक और उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो पूरी करें अगर जायज़ ज़रूरिया के बाद भी उसके पास कोई एक्स्ट्रा दौलत है तो वो दूसरी जगह खर्च कर सकता है जहाँ वो मुनासिब समझे चाहे रिश्तेदारों में दे गरीब ज़रूरतमंद या चाहे कोई चैरिटेबल इदारे को दे दे जहां वो ज़रूरत महसूस करे लेकिन पहला हक उसके अपने घर वाले हैं उनको देना ये उसके लिए ज़रूरी है उनको देना कारैर और बाई से सवाब भी है और अगर कोई शख्स जायज़ ज़रूरियात पर अपनी बीवी बच्चों का खर्च नहीं देता तो मुहदसिन की राय के मुताबिक उसका निका तक फसक किया जा सकता है क्योंकि जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो अदा नहीं कर रहा है जैसे हदीस में बताया गया कि अगर किसी की बीवी उसका शौहर जायज़ ज़रूरियात पर कंजूसी कर रहा है दे नहीं रहा है तो जायज जायज़रिया के लिए अगर अपने शौहर का माल उसको बताए बगैर लेती है तो वो चोरी नहीं कंसिडर होगा वो ले सकती है क्योंकि ये उसका हक है और शौहर देने के लिए तैयार नहीं हाँ गलत उस वक्त होगा जब आप जायज़ ज़रूरियात को छोड़ कर गैर ज़रूरी मुतालबात में लग जाएँ क्योंकि इंसानी ज़रूरियात एंडलेस हैं उसका आखिरी कोई हो नहीं सकता इंसान उसके साथ हिरस लालच लगी हुई है हम कह रहे हैं कि जो जायज़ और बुनियादी ज़रूरिया हैं उसमें खर्च करना यह मर्द के लिए जिम्मेदारी है और इसके लिए ये ज़रूरी है जैसे आप देखिए हज़र सईद बिन मुसै जो बहुत बड़े दर्जे के ताबई और फुखाय सबा में उनका शुमार होता है फ़ुखाय मदीना में वो काउंट होते हैं बहुत ऊंचे दर्जे के फ़कीर और मुहदस एक आदमी ने उनसे पूछा ला यजिद माफिक रखो बई ना एक आदमी ऐसा है जिसके पास कोई जरूरी अखराजात के लिए पैसा नहीं है बीवी बच्चों को देने तो उन्होंने कहा निका फस्क किया जा सकता है फिर यानी डिजॉलवेशन ऑफ मैरिज हो सकती है क्योंकि बेसिक ज़रूरत है और आप देने रहें तो निका ख़त्म किया जा सकता है यही इमाम मालिक रमतल का भी फतवा है तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि यह इशू कितना सीरियस और ख़तरनाक है लेकिन बाज़ लोग शरीयत से वाकिफ़ नहीं होते या उस पर अमल नहीं करना चाहते उसमें मुख्तलिफ़ की उनसे गलतियाँ होती हैं अब देखिए उमर रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब फ़ौज दूर दूर तक चली गई इस्लामी रियासत बहुत फैल गई थी मुख्तलफ़ इलाक़ों में मुजाहिदीन जा रहे थे अब एक सवाल पैदा हुआ उनके बीवी बच्चों का मसला क्या बनेगा आपकी फ़ौज तो चली गई मसलन मदीन मनवरा से निकल कर दूर मसलन इराक़ की तरफ चले गई सीरिया में चली गई कोई यमन की तरफ चले गए कोई इजिप्ट की तरफ चले गए और वो आएंगे एक अरसे के बाद तो बीवी बच्चे क्या खाएंगे उनकी कौन जिम्मेदारी निभाएगा तो हजरत उमर रजी अल्ला ने जो फ़ैसला किया वो ज़रा पढ़िए ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी बीवी बच्चों के जायज़ हकूक़ में कंजूसी करते हैं देना नहीं चाहते उनको चाहिए कि वो पढ़ें और इसको समझें हजरत उमर रजी अल्लाह तुने फ़ौज हालांकि गई ख़ास काम के लिए इंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं गए थे हॉलीडेज़ के लिए नहीं गए थे जिहाद के लिए गए ख़ास मकसद के लिए गए अन्नातब इलाउमराजनाथ फिर उनके लिए कहा गया पैगाम जा रहा है जो कमांडर्स हैं इलाक़े के ट्रूप्स लीडर हैं जिसको आज की असलाह में कोर कमांडर या इस तरह के हम नाम दे सकते हैं मुख्तलिफ इलाक़ों के जो बड़े बड़े थे ज़िम्मेदारान उनको आपने ये हुक्म दिया कि हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपने बीवी बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करे और भेजे पैसा आप बेशक जिहाद के लिए गए हुए हैं अच्छे मकसद के लिए गए हुए हैं गए हुए तीन महीने के लिए हैं क्या खाएँगे तीन महीने तक बीवी बच्चे तो हज़रतमर ने उनको हिदायत दी कि उन्हें चाहिए कि वो अखराज भेजें अगर नहीं भेज सकते तलाक देनी पड़ेगी फिर तलाक तो अब ये ज़रा गौर करें ये कितना सीरियस मसला है लेकिन कितने लोग हैं चार चार महीने हो गया पता ही नहीं चलता और कभी तनख्वाह मिलती है तो ऐसे देते हैं जैसे कभी कोई सामने गरीब आ जाता है तो आप दे देते हैं उसको जेब से कुछ निकाल कर आपकी बीवी है आपके बच्चे हैं आपकी इनकम में उनका हक अल्लाह ने रखा और आप देने के लिए तैयार नहीं है तो उमर रजी अल्लाह तुमने इतना सख्त फैसला किया और बातु मा फैंतल हजरत उमर ने यहां तक कहा अगर तुम मसलन समझ लो चार महीने के लिए गायब हो गए अब यह फैसला आने के बाद अब कहते हैं अरे इतना खर्चा कौन देगा छोड़ दो तलाक दे दो तो हजरत उमर ने कहा तलाक देंगे तो पिछली पेमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी कब से गायब है तीन महीने तो तीन महीने की जो आउटस्टैंडिंग है वो देकर तलाक दो फिर यानी तीन महीने की पिछले फिर इद्दत गुजारने की जो है तलाक़ देने के लिए भी उसको सोचना पड़ेगा कि पिछला भी हिसाब पूरा करना है इद्दत का भी हिसाब पूरा करना है तो इससे आप अंदाज़ा करें कि अगर ये मुस्तिल बुनियादों पर फ़ौज में शामिल लोगों के लिए ये कानून है तो दूसरों के लिए क्या होगा इसमें हमारे बहुत सारे वो भाई जो अपने घर बार से दूर में कमाने के लिए गए हुए हैं आजकल जैसे मुख्तफ ममालिक में लोग जाते हैं चाहे मिडल ईस्ट में जाएं अरब कंट्रीज़ में जाएं चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं दौलत कमाने के लिए उनको इन दोनों बातों का ख्याल रखना चाहिए एक तो लंबे अरसे के लिए घर से दूर रहना शरी तौर पर दुरुस्त नहीं है ख़ास हालात के बग़ैर वो भी दोनों की मर्ज़ी से शौहर जाने से पहले बीवी से भी बात करे उसकी मर्ज़ी मालूम करे ये नहीं है कि वीज़ा वीज़ा सब आ गया उसके बाद आप कह रहे हैं मैं दो साल के लिए जा रहा हूँ ये भी अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए होना चाहिए और दूसरा उस दौरान जो उसके अखराज हैं उसका भी आपको प्रॉपर बंदोबस्त करना होगा कि कौन उसकी लुकाफ्टर करेगा कौन उसका ख़र्चा देगा वगैरह वगैरह वरना देखिए हजरत उमर हज़रतमर रजील्ला तु ने इस सिलसिले में और भी सख्त फैसला किया था कि आदमी को चाहिए कि ज़्यादा अरसे के लिए बाहर ना रहे और फिर उन्होंने फ़ौज के लिए ये कानून बनाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर से चार महीने दूर रहें चार महीने में एक बार छुट्टी लेकर आए चार महीने में एक बार वापस आएँ ताकि जो है बीवी बच्चों के हकूक़ भी अदा हो सकें यह नहीं है कि आप जाए जितना लंबा अरसा कितने साल के लिए गए वो कहते हैं तीन साल में एक बार आते हैं कोई कहती है चार साल में एक बार आते हैं ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है बस ख़ास हालात में दोनों की रजामंदी के साथ एक आध बार ऐसे कोई वाक़ हो गया वो तो दोनों की मर्ज़ी से हो सकता है मगर इसको रूटीन बना लेना ये तो फैमिली लाइफ को ख़राब करने वाली बात है जान लीजिए जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है अगर कोई ये समझता है कि पैसा सुकून का ज़रिया है पैसे ही के ज़रिए से मोहब्बत पैदा होगी पैसे ही के ज़रिए से घर बार चलेगा तो ये बात दुरुस्त नहीं है सबसे बड़ी चीज़ आप दोनों के दरमियान मोहब्बत है सबसे बड़ा आपका अपना इत्मीनान और सुकून है अगर आप दोनों इकट्ठे रहें दाल रोटी खाकर गुजारा करें तो वो बिरयानी से ज़्यादा बेहतर होगी जो इतनी तकलीफ़ों और मुसीबतों के साथ आपके घर में आए बीवी खाने के लिए बैठी शोहर नहीं है साथ और शोहर खाने के लिए बैठे बीवी नहीं है और दो साल या तीन साल इसी तरह से गुजर जाएं तो उससे बेहतर है कि आप दाल रोटी पर गुजारा करें कम से कम सुकून से रहेंगे तालीम और तरबियत का मसला नहीं होगा वरना और भी बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं कि पसीना टपका कर वहाँ आप मेहनत करके कमा रहे हैं बच्चे बाप की जुदाई की वजह से तबाह और बर्बाद हो रहे हैं तो फिर क्या फायदा कौन सा सुकून आप लाए कौन सा आराम आप लाए तो ये सब चीजों को चेक एंड बैलेंस करना जरूरी है देखते रहिए हमारा प्रोग्राम एक मुख्तसर वक्फे के बाद हाजिर होंगे इन शोहम्म <गणाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँ> कसम है जमाने की कि बेशक इंसान खसारे के अंदर है मौलाना हिलाल, उस्मानी के साथ जानते हैं कौन लोग हैं की जो इस खसारे ऐसी महफूज है ईमान और आमाल अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो ये अल्लाह की रस्सी है ईमान जब इबादत उस तरह की जाए जिस तरह अल्लाह तबारक ने बताया है तो उसको कहा जाएगा अमल हक का रास्ता हक की दावत देना इस पर खुद भी चलना है और दूसरों को भी हक की दावत देनी है और बुनियाद पर साबित कदम रहो हक के रास्ते पर डटे रहो जमे रहो, जमें रहो। जमें। वही बने रब के पसंदीदा जिन्होंने इसकी डोर है थामी फिक्र इस्लामी कल रात साढ़े सात बजे इंडिया में और शाम पांच बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर डायलॉग डायलॉग डिस्कशन डिस्कशन डिबेट 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 रिबॉटल रीबॉटल कंक्लूजन एलिमिनेट एलिमिनेट अबाउट रिलीजन गेट इनलाइट क्रॉसफायर हर इतवार रात साढ़े आठ बजे इंडिया में और शाम छह बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर जहालत नाइन साफी जुल्म जात-पात रंगों नस्ल फिरका परस्ती दहशतगर्दी आज सारी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं और इंसानियत को तलाश है अमन की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जेर अहतमाम अपनी नौत की पहली उर्दू आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मुख्तल फिक्र के मोतबर मौतबरमाए कराम एक प्लेटफॉर्म एक मकसद अम्न के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना कारबाने अम्न अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर नाजरीन वक्फ़े से पहले हम बता रहे थे कि अखराजात घरेलू जो हैं उसकी जिम्मेदारी शोहर पर है उसको चाहिए कि जो उसके मातहत हैं उन पर मुनासिब अंदाज से वो ख़र्च करे चाहे कपड़ों के मसले में खाने पीने के मसले में रिहाइश के मसले में और बीवी को भी चाहिए कि शोहर की आमदनी के मुताबिक डिमांड करे उससे ज़्यादा का मतालबा वो ना करे और जो लोग बीवी बच्चों से बहुत लम्बे अर्से के लिए दूर रहते हैं जुदाई इख्तियार करते हैं तो उनको भी सोचना चाहिए हज़रत उमर रजी अल्लाह तु आज नहीं बल्कि उस जमाने में तकरीबन चौदह सौ साल पहले जो कानून नाफिस किया था वो भी मुजाहिदीन के लिए चार महीने से ज्यादा गायब ना रहे ताकि इसके अंदर दोनों की जिंदगी भी दुरुस्त गुजरे और दोनों एक दूसरे की जो है खबरगिरी भी कर सकें प्लस ये भी उसके अंदर शामिल थी बात कि जो अखराजात हैं वो सब के सब देने पड़ेंगे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी शौहर अगर ना भी हो तो उनके अखराज वगैरह का उसको प्रॉपर इंतज़ाम करना चाहिए इसी तरह से देखिए रसूल अक्रम सम से एक सहाबी ने आकर पूछा कि मैं अगर कुछ खर्च करना चाहूँ तो सबसे पहले किस को ख़र्च करूँ तो आपने फरमाया कि अपने नफ्स पर नंबर एक तो आपका अपना नफ्स है फिर उसके बाद उसने पूछा एक और दीनार है मेरे पास तो किस पर ख़र्च करूँ तो आपने फरमाया कि आपके जो बच्चे हैं उन पर फिर कहा कि और एक दीनार है कहा कि अपनी बीवी पर ख़र्च करो फिर कहा एक और है तो आपने फरमाया काम वाले घर में जो ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं आपके अगर वर्कर हैं मुलाजिमीन हैं उन पर ख़र्च करो उसके बाद फिर उसने कहा एक और दीनार है मेरे पास तो आपने फरमाया अब इसके बाद तुमको इख्तियार है यानी ये लेवल्स हैं पहले अपने आप पर क्योंकि आदमी भूखा है ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता शरीयत कह रही भूखे रह के काम मत करो खुद खाओ पहले देखिए कहाँ कहाँ अल्लाह के नबी ने हिदायत दी हैं कैसे हिदायत दी जैसे एक मुशफिक और मेहरबान माँ अपने बेटे को नहीं दे सकती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़्यादा शफकत का मुजाहरा किया अपनी उम्मत के साथ तो आपने फरमाया कि पहले ख़ुद इस्तेमाल करो फिर उसके बाद है बच्चों को दो फिर बीवी को फिर उसके बाद काम वाले जो आपका काम कर रहे हैं उनको टरख्वा मत यानी काम पूरा ले रहे हैं तनख्वाह नहीं दे रहे हैं या उनको घुमा रहे हैं रोज़ाना कि कल आओ परसों आओ ये नहीं कहा गया कि उनको उनका हक़ दो उसके बाद अगर है ये जायज़ ज़रूरियात हो गए अब उसके बाद अगर आप देना चाहते हैं तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं मस्जिद में दूं मदरसे को दूं या फ़ला अच्छे इदारे को दूं या अच्छे काम करने वालों को ये उसके बाद आप तय करें क्योंकि ये स्टेजेस और लेवल आपके पूरे हो रहे हैं फिर अब आपको इख्तियार मिल जाएगा इसमें भी तरतीब बताई गई इसी तरह जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि मैं अगर किसी के साथ हुने सलूक करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा हुसने सलूक किसके साथ करूँ मैं माँ के साथ मा साथन सलूक खिदमत माँ फिर आपसे पूछा गया फिर आपने कहा माँ फिर पूछा गया फिर कहा माँ फिर उसके बाद आपने फरमाया बाप के साथ फिर उसके बाद जो अपने ज़िम्मेदार हैं वगैरह वगैरह तो इसमें मालूम होता है वालदे के हकूक़ कितने ऊँचे हैं और वालदे में भी माँ का मरतबा कितना ज़्यादा ऊँचा रखा गया है तो अब आप देखिए कि ये जो अखराज और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये एक अच्छी और पाकिज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बेहतरीन तरीक़ा है अगर आदमी के पास कुछ नहीं है तो कम से कम वो इतना फ़राहम करे जिससे घर बार की जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो उतनी हो सकती हों बीवी बच्चों को कंगाल कर देना ये दुरुस्त नहीं हती कि वसीयत विरासत के मसले में खसूस सहाबी हज़रत साद रज़ी अल्ला जब उन्होंने ये चाहा कि मेरे पास बहुत दौलत है एक ही बेटी है जब यह बात वो पूछ रहे थे तो उनको यहाँ एक ही बेटी थी तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी दौलत अपनी बेटी के बजाय कोई अच्छे काम के लिए दे दूँ नीयत अच्छी है मशवरा रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि नहीं पूछा आधी दे दूँ दौलत ज़्यादा है और एक ही बेटी है आधी दौलत में फ़ी सभी खैरात कर दूँ आपने कहा नहीं फिर कहा एक तिहाई आपने कहा वसु कसीर एक तिहाई तक तुम दे सकते हो एक तिहाई भी ज्यादा है मगर मैक्सिमम जो लिमिट है वो एक तिहाई वन थर्ड इससे ज्यादा आप वसीयत नहीं कर सकते बाकी जो वारिसी है उनके लिए आप छोड़िए आपने फरमाया अपने पीछे अपने पसमानदगागान को यानी बेटी बेटे वगैरह जो भी हैं वारसिन को अच्छी हालत में छोड़ो ये बेहतर है कि उनको कंगाल और फ़कीर बनाकर छोड़ो ताकि आपके बाद भीख मांगना पड़े उनको इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया यानी उनकी नीयत बुरी नहीं थी अच्छे काम के लिए खर्च करना चाहते थे मगर आपने कहा ऐसा मत करो अपने वारिसिन को दो हाँ एक तिहाई तक आपको हक है कि अगर आप चाहें तो किसी को भी दें तो अब देखिए कितना एतदाल है कितना तोज़ुन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराम के अंदर हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ी देर के लिए वक्फा करें अगर आपका कोई सवाल हो इसके हम आगे हस्बैंड वाइफ रहते हैं ऑलरेडी आजकल हस्बैंड जाते हैं बाहर फॉरन में कमाने के लिए आजकल ऐसा हो गया कि औरतें भी जा रही है लड़कियाँ जो हस्बैंड ऑलरेडी अच्छा कमा रहा है फिर क्या हो रहा है वो वाइफ को मना करते तो फिर भी नहीं मान रही चले ये कमाने के लिए और वो भी दो दो साल एक एक साल जो जा रही है उसका क्या मसला है बहुत सेंसीटिव बात है ये के बास जगहों पर लड़कियां भी बाहर जा रही हैं दो दो साल के लिए एक एक साल के लिए कमाई करने के लिए इसका क्या हुक्म है देखिए इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियां और खराबियां हैं हर आदमी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें सामने रखनी चाहिए एक औरत को तन्हाई में सफर करने की इजाजत नहीं है तो आप बताइए एक साल वो जाकर किसी परदेश में रहे अजनबी मुकाम पे ना कोई महरम है ना कोई है तो वो किस तरह मुनासिब हो सकता है फिर उसकी वजह से जो अखलाक खराबियां पैदा हो रही हैं ये नहीं कि सब जाने वाली बुराइयों में इन्वॉल्व हैं लेकिन इसके इम्कान ज्यादा मौजूद होते हैं और बाज़ जगहों पर क्या क्या उनके साथ हादिसात हुए हो सकता कुछ बताएं आकर हो सकता ना बताएं मगर ये एक बिगाड़ के इम्कान मौजूद हैं ऐसी सूरत में आप अपने ईमान को अपनी इज्जत इसमत और इफ़त को दाऊ पर लगा कर जाए और कमाएं तो क्या फ़ायदा उस कमाई का हाँ अगर कोई ख़ास जरूरत है और उसका कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है बस खसूस हालात में कोई इस तरह कर रहे हैं तो वो एक खास मसला होगा लेकिन जनरली कमाने के लिए इस तरह करना सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए करना ये किसी सूरत में दुरुस्त नहीं और जो हालात पर जिसकी नज़र है जो जानता है कि क्या कुछ हो रहा है वो कभी इसकी तइद नहीं कर सकता जी इसके मुताबिक वो चार महीने के लिए आपने बोले जो आना चाहिए रिटर्न मर औरत के लिए ऐसा कितना महीना होना चाहिए हाँ पहले तो हम कहते हैं कि औरत अगर शादीशुदा हो तो शौहर को यहाँ छोड़कर वो कमाने ना जाए वो तो काम शोहर का है और अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ गई कोई ऐसी ज़रूरत के लिए उसको जाना पड़ गया तो उसके लिए भी उससे कम का प्रोसीजर है वो सारी चीज़ों को सामने रख कर के कोई महरम उसके साथ है उसके लिए सेफ्टी वगैरह का इंतज़ाम है तो उसके लिए भी प्रोसीजर वही है सिवाय इसके कि बाद सूरतों में दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो शौहर और बीवी की उसमें ज्यादा भी हो सकता है लेकिन ये एवरेज जो पीरियड बताया गया वो फोर मंथ का है ताकि उस पीरियड का दोनों को कोई बार ना पड़े जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपने जैसे बताया अभी हुकूक के ताल्लुक से तो वाल्देन के भी हुकूक है तो आजकल कल का ये ट्रेंड बना है और कुछ उलमा भी बोलते हैं कि भाई शोहर की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप को देखे सास ससुर को देखने की जिम्मेदारी है। औरत की नहीं है और कुछ तो यहाँ तक के है कि पहले हमारा पूरा करो फिर बचेगा तो माँ बाप को देना यहाँ तक बातें पूछी है तो इस तल्लु से रोशनी जाए ये अफसोसनाक पहलू है इसका कि मसलन अगर मेरी बीवी ये कहे कि तुम अपने माँ बाप को ना दो या इसी तरीके से आप देखते हैं सास ससुरे आपके ज़रूरतमंद हैं फिर भी आप उनकी मदद नहीं करते तो ये रिश्ते नाते के हिसाब से अच्छी बात नहीं है शराफ़त अखलाक मुरवत का ये तकाजा है कि जैसे हम बीवी बच्चों की खबरगिरी करें वालदे की भी करें और जिस तरह मैं अपने वालदे की खबरगिरी कर रहा हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है ये कैसी शराफत हुई कि मसलन मैं खुशहाल हूँ वेल आफ हूँ और मेरे बाप जो है ज़रूरतमंद मोहताज हैं और मैं उनके लिए कोई हेल्प ना करूँ या माँ मेरी मोहताज है और मैं उनके लिए कोई हेल्प ना करूँ ये तो कोई शरीफ जो मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी को समझता हो इसके बारे में तो सोच तक नहीं सकता माँ बाप तो हमारे लिए गोया जन्नत का टिकट है जन्नत का दरवाज़ा हैं उनकी ज़रूरत को महसूस करके पूछे बगैर आपको उनकी मदद करनी चाहिए पूछे बगैर आपको उनकी खिदमत करनी चाहिए इसी तरीके से अगर सास सुसरे ज़रूरतमंद हैं तो कम से कम आपको ख्याल रखना चाहिए जैसे आपका दिल है आपकी बीवी का भी दिल है जैसे आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर करें वो भी बेचारी चाहती है कि उनके पेरेंट्स की लुक आफ्टर करें और फैमिली की लाइफ अच्छी गुजारने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जैसे अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करते हैं सास साप की भी ऐसे ही रिस्पेक्ट करें उनकी जरूरत पर अगर आप देते हैं मदद की इसी तरह से बीवी को भी आपके माँ बाप के बारे में जज्बात रखना चाहिए सलाम वालेकुम वाले मेरा सवाल यह कि आपने बोले इनकम पे बच्चों का और और उसकी औरत का हक है उसके बाद अगर माँ बाप को दे सकते हैं नहीं तो बहुत से माँ बाप बोलते हो शादी के बाद तुम चेंज हो गए शादी से पहला देते थे अभी जोर हो गए गुलाम हो गए है ना बहुत सी बातें बोलते तो इसमें माँ बाप का दिल बहुत दुखता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए इसके अंदर दोनों तरफ से है कि माँ बाप को इतनी शिकायत होती है कि तुम देते थे और देना बंद कर दिए इस शिकायत की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है आपको चाहिए कि उससे पहले जो आप उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद कीजिए ताकि उनका दिल ना दुखे और जो जायज़ जरूरियात है उनकी पूरी हो सके माँ बाप की ज़रूरत है आप उनको इग्नोर करें तो ये शरीय, अखलाकी, बल्कि इंसानी हमदर्दी के भी खिलाफ है जो एक अच्छा मुसलमान है वो कभी ये नहीं कर सकता वालेकुम शेख वालेकुम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि अगर ज़रूरत के वक्त जो है वो बीवी उसके हस्बैंड के वॉलेट से पैसा ले सकती है तो सिनेरियो ऐसा है कि हस्बैंड घर पे है नहीं किसी चीज़ की वजह से वो कुछ घंटों के लिए या तीन चार घंटों के लिए वो एबसेंट है घर से और उसी वक्त बीवी को ज़रूरत पड़ गई पैसों की कि वो इमरजेंसी है देना कंपलसरी है तो ऐसे सिचुएशन में वो पैसे ले ले और दे दे और आने के बाद वो इन्फॉर्म करे कि मैंने ऐसा ऐसा करिए आपके बटवे से पैसे ली तो ये किस हद तक सही होगा और सेकेंड चीज़ के जैसे कि आजकल के घरों में ये झगड़ा चल रहा है माँ बाप का जैसे बीवी बोलती है कि आप पूरा माँ बाप के ऊपर ख़र्चा कर देते हो बीवी का ये इंटेंशन होता है कि वो बच्चों का हकूक उनको ऐसा लगता है पर्सनली कि मेरा हकूक़ कम हो रहा है और बच्चों का हकूक़ कम हो रहा है लेकिन माँ बाप ये सोचते हैं कि वो जैसे भाई ने अभी बताया जोरू के ग़ुलाम बन गए बट ऑब्वियस है कि वो मनी डिवाइड होगी कि पहले भी पाँच हज़ार दे पाँच हज़ार पूरे माँ को देता था अब बीवी आने के बाद वो दो हज़ार दे रहा है तीन हज़ार बीवी को दे रहा है तो माँ बाप ये सोचते है कि पहले पाँच देता था अभी तो दो ही दे रहा है तो इसमें हमारी शरीयत कैसे गाइडलाइंस करती है देखिए पहला आपने जो सवाल किया कि इमरजेंसी ज़रूरिया पड़ गई और बीवी उसका खर्च करती है बिल्कुल कर सकती है अगर इमरजेंसी ज़रूरत है और शौहर को भी चाहिए कि उसकी इमरजेंसी को रियलाइज करे और वो अगर जायज़ ज़रूरत के लिए कोई इमरजेंसी जगह खर्च कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करे उसकी हौसला अफज़ाई करें क्योंकि कभी भी ज़रूरत किसी के साथ भी पेश आ सकती है बाकी जो वालिदैन और बीवी ये देखिए इसको फिगर में नहीं बताया जा सकता आप दो हज़ार दें या तीन हज़ार दें ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से है को भी समझना चाहिए बच्चे की आमदनी कितनी है अखराजा कितने हैं आपको भी समझना चाहिए कि वालिदैन का मुकाम क्या है दोनों अगर इस तरह से समझें तो वहाँ गड़बड़ नहीं पैदा होगी इन ताला हमारा प्रोग्राम यहीं पर हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो रहा है तो देखते रहिए प्रोग्राम इंतजार कीजिए आइंदा लेक्चर का والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب, هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاى صلِّ وسلِّم دائماً